दोस्तों आज के जमाने में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसको हम लोग चाहकर भी दरकिनार नहीं कर सकते। आजकल सबसे दरकारी उपकरणों में से स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक हिस्सा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुका है, जिसमें स्मार्टफोन का मार्केट साइज भी दिन पे दिन बढ़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार 2020 तक स्मार्टफोन का मार्केट साइज 490 बिलियन यूएस डॉलर तक हो चुका था, जो कि हमारे इंडियन रुपीज में कुछ इतना निकल कर आता है। दोस्तों ये नंबर बहुत ही बड़ा है, और हम सब के लिए दुखद बात यह है कि 80% स्मार्टफोन चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट होते हैं, या तो फिर इनके पार्ट्स को असेंबल करके ही मेड इन इंडिया का टैग लगाया जाता आ रहा है। लेकिन अब भारतीय सरकार इस क्षेत्र में जोर दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पार्ट्स मेक इन इंडिया के तहत हमारे देश भारत में ही बने, जिसके चलते हमारे देश की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में 5763 करोड़ स्मार्टफोन के पार्ट्स बनाने में ही इन्वेस्ट कर रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन से कम नहीं है। इस साल के बजट में इंपोर्टेड मोबाइल पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया है, जिससे जो भी बाहरी कंपनी चाइना से पार्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल कर रहे थे, उन कंपनियों के लिए परेशानी तो बढ़ने ही वाली है। दोस्तों तमिलनाडु सभी इन्वेस्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, क्योंकि इस स्टेट की पॉलिसी सभी स्टेट की तुलना में ज्यादा सिंपल है, जिससे सभी मैन्युफैक्चरर कंपनी इस स्टेट को और आकर्षित हो रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पेगाट्रॉन, जो के पहले से ही एप्पल का पार्ट्स बनाता रहा है, ये दोनों कंपनी मिलकर तमिलनाडु के कृष्णागिरी में अपना प्लांट लगाने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 6000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने के साथ साथ और पेगाट्रॉन 4000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने वाली है। ये प्लांट एक बार सेटअप होने के बाद ही कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और चाइना जो पूरी दुनिया का 80% तक स्मार्टफोन बनाता है, इस देश पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जिससे लॉन्ग रन में हम लोगों को ही फायदा होगा। और सबसे अहम बात, हमारे भारत का जो भी करेंसी इंपोर्टेड के दौरान चाइना में जा रहा था, और चाइना इस पैसे से हमारे ही देश के सीमा में हथियार डिप्लॉयमेंट कर रहा था, इस पे लगाम लगा जा सकेगा। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन जो कि स्पेस में सैटेलाइट डिलीवरी कर सकता है। हमारी धरती से सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह को अपने कक्षा तक लेकर पहुंचाना कोई छोटी चीज नहीं है, जिसमें करोड़ों का खर्च लगता है और कई महीने की मेहनत। लेकिन अब इस अत्याधुनिक ड्रोन आने के बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का जरूरत महसूस नहीं होगी, और कम से कम एफर्ट में ये सैटेलाइट को अपने कक्षा तक पहुंचा पाएगा। इस विशालकाय रावेनेक्स ड्रोन को बनाया है अमेरिका की एरोस्पेस स्टार्टअप एबम ने, और ये ड्रोन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि छोटे छोटे सैटेलाइट को आसमान में ले जा सके। दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसे ये ड्रोन आसमान में सैटेलाइट को लेकर उसके ऑर्बिट तक पहुंचा पाता है। आम एयरक्राफ्ट जैसे रनवे की मदद से टेकऑफ करते हैं, ये ड्रोन रावेनेक्स भी सेम टेक्निक की मदद से टेकऑफ करता है, और इस ड्रोन के निचले भाग में एक थ्री स्टेज रॉकेट को ड्रोन के साथ ही लगाया जाता है। इसके अंदर जो पेलोड होता है, यानी छोटे छोटे सैटेलाइट, रॉकेट के ऊपरी भाग में एक कैप्सूल के अंदर रहते हैं। जैसे ही ये ड्रोन उसके निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचता है, तभी इस थ्री स्टेज रॉकेट को इग्नाइट करके ये ड्रोन उसको डिप्लॉय कर देता है। उसके बाद ये रॉकेट सैटेलाइट को उसके निर्धारित कक्षा तक पहुंचाने में मदद करता है। एवं कंपनी का मानना है कि इस टेक्निक से ज्यादा सैटेलाइट को कम समय के अंदर और बहुत ही कम लागत में हमारी धरती के निचली कक्षा तक पहुंचा पाएंगे। और इसमें खास बात यह है कि ये सिस्टम 70% तक रीयूजेबल है, मतलब ये ड्रोन आसमान में जाकर फिर जमीन तक लौटता है और फिर एक बार लॉन्च के लिए रेडी होता है। दोस्तों ये कंपनी अब तक कई बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट ग्रैब कर चुका है। अब देखना बाकी है कि एवं सैटेलाइट को कब तक लॉन्च करने वाला है। दोस्तों इसी तरह के साइंस और स्पेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं।